हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वासुदेव पंडा। वेलकम टू मास्टर इंग्लिश। पहले 2023 एग्जाम सरी जाइए, वर्तमान आम अपेक्षा करे रिजल्ट को। बहुत लोग कौन क्वार्टर एग्जाम मार्क मिसिबो, बहुत लोग कौन क्वार्टर एग्जाम मार्क मिसिबो ना। तो ये भितर पिला गोटे बड़ प्रश्न कि जदि मिसिबो केमिति मिसिबो। तो पहले तुमकोपी एक सरल करने तुमको नहीं आसी गत वर्ष आम जो 2022 एग्जाम होता आम समस्त जाना तार से परीक्षा क्वार्टर एग्जाम मार्क मिसा से जो क्राइटेरिया जदि मिसे से क्राइटेरिया रे ही मिसिबो। तेणु से क्राइटेरिया कौन थिला जेहेतु आम ए वर्ष परीक्षा देखिए आम जान ना उणा अधिके से क्राइटेरिया उपरे डिटेल डिस्कशन करवा तुमको मु सीधा देखेबी CHSE रो गत वर्षर लेटर जहाँ एग्जामिनेशन नो इवालुएशन क्राइटेरिया उपरे थिला। तो यही भाया भिडियो देखा तुमको जो भल लगुच चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबा नहीं, भिडियोटा को लाइक और शेयर करदे जहाँफल यहाँ नुआ नुआ इनफर्मेशन तुमको दवापाई मत भी इन्स्पिरेसन मिल। तो पहले देखी पार्थ तुम्हें सीधा मोबाइल स्क्रीन उपर काउनसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन प्रज्ञापीठ सामंतरापुर भुवनेश्वर डेटेड 23 मार्च 2022। ये 23 मार्च 2022 आई कौ बाबद आई मो बेसी आलोचना करना सीधा देखा तुमको रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एनुअल HS एग्जामिनेशन 2022 एंड क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ एग्जामिनी। तो असेसमेंट एग्जामिनी मानकर असेसमेंट जो होता से भी बेसिस। तो ये है तुम पॉइंट वाइज डिस्कशन बोले पॉइंट वाइज पूरा डिस्कस करवा भिडियो को स्कीप टिके भी स्कीप कर देखा निश्चित भाव बुझी जा। एक नंबर पॉइंट रिजल्ट शैल बी प्रोसेस्ड इन अ पेपर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट ओनली व्हेन सी अपीयर्स इन दैट पेपर ऑफ एनुअल HS एग्जामिनेशन 2022। रिजल्ट शैल बी प्रोसेस्ड रिजल्ट तैयारी हेबो गोटे पर्टिकुलर पेपर इन ए पेपर कहले गोटे पर्टिकुलर पेपर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट ओनली सेतेबेले व्हेन सी अपीयर्स इन दैट पेपर माने से परीक्षा दबा पई बाध्य परीक्षा देना जदि तार मार्क हिसाब हम ना हाँ बिंग ड्यूली एनरोल फॉर दिस एंड नो मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड इन पेपर्स इन व्हिच ए कैंडिडेट डजंट अपीयर इन HS एग्जामिनेशन 2022। गोटे पिला जदि HS एनुअल एग्जामिनेशन देना तार मार्क काउंट हम ना कौन हिसाब से तार रिजल्ट बाहर ना। बर्तमान दुई नंबर देख कंडक्ट अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन ये मुझे आलोचना करना कारण यहाँ हो जाए। बर्तमान आसला कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन यहाँ भी हो जाए मुझको कहूना तापर है मेथड ऑफ अवार्ड ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट पेपर्स ऑफ एग्जामिनेशन हाँ ये हूँ मेन जिनस पे कौन मेथड ऑफ अवार्ड ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट पेपर्स ऑफ एग्जामिनेशन। मार्क्स विल बी अवार्डेड इन टू डिफरेंट मैनर्स दुई प्रकार रे मार्क मिलिबो इन ईच पेपर प्रत्येक पेपर सेपरेटली अलग अलग भाव फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल थ्योरी एवं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कंपोनेंट ऑफ ए पेपर। नंबर वन क्राइटेरिया नंबर वन एक नंबर क्राइटेरिया पे मैंने कौन एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 टू बी कंडक्टेड बाय द CHSE एक्चुअल मार्क्स पिला HSE मार्क रे जिते जिते मार्क पाई ये है प्रथम क्राइटेरिया क्राइटेरिया नंबर वन माने बोर्ड एग्जाम रा कंप्लीट मार्क तुम जिते मन को 70 पाइछ 70 100 पाइछ 160 यहाँ हूँ एक्चुअल क्राइटेरिया। एक नंबर क्राइटेरिया नंबर टू 80% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ए पेपर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द HS एग्जामिनेशन 2022। तो तापर नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन प्रथम है 80% एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मार्क माने तुम बोर्ड एग्जाम 80% मार्क बाय CHSE एंड 20% ऑफ द मार्क्स बेस्ड ऑन द बेस्ट टू परफॉर्मेंस। तापर 20% मार्क कौन मिल तुमर जो टर्म एग्जाम दे तुम क्वार्टर एग्जाम मार्क दे तार जो तीन टा पेपर थी मन कर गोटे पेपर रे 20 गोटे पेपर रे 20 आ गोटे पेपर 18 पाइच ताले से 20 जो 40 मार्क को आमर 80 100 हिसाब से कैलकुलेशन कले पर मार्क 2.5 मार्क लेखे पड़ो तार 20% के 50 मार्क हम 20% कले 50 मार्क्स पाखापाखि हे। तो से हिसाब से तुम आसब पे CHSE एंड 20% ऑफ द मार्क्स बेस्ट ऑन द बेस्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट आउट ऑफ 3 क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12। दिस प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल टू दोज कैंडिडेट्स एंड इन दोज पेपर्स वेयर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एंड इन द पेपर इन क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन क्लास 12 आर अवेलेबल। तो यही पेपर रे पिला मार्क पाई थी बार अच्छी तार अर्थ हो
ପିଲା କମ୍ ସେ କମ୍ ପାସ୍ କରିଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ପାସ୍ ମାର୍କ ପାଇଛି ତାହେଲେ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଟୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ମାର୍କ। ଓକେ, ଇଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନମ୍ବର ଟୁ ରେ ପିଲେ, ଏଇଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ନମ୍ବର ଟୁ, ମାନେ ଦୁଇ ପଟର ମାର୍କ ମିଶିବ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆୱାର୍ଡେଡ଼୍ ହାୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ମାର୍କସ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ ପେପର୍ ୱାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଟୁ ମାର୍କସ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ତୁମର ଯଦି ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଧିକା ମାର୍କ ହେଉଛି ତୁମକୁ ସେଇଟା ମିଳିବ, ତୁମର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ମିଳିବ। ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କାହିଁକି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ଟର୍ମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ଆମର ଏପଟେ ଏଚ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟିକିଏ କମ୍ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିଛି, 30 marks ସ୍କୋର କରିଛି, ଦେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର ସେଇ ଜାଗାରେ ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପିଲେ ଯଦି ମାର୍କିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଟର୍ମ ଏକ୍ଜାମ୍ ମିଶୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁମର ମିଶିବ ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାର୍କ ପାଇବ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ। ବାଏ ବାଏ।